दोस्तों दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है जो अब से पहले आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की न्यूज़ साइट पर छपी खबर के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI भारत में एक 40 वर्षीय व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही थी, जिसे एक सैन्य अधिकारी का वेश धारण कर घूमने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने शनिवार को बताया कि ISI उसे एक असली आर्मी अफसर मान रही थी। दिल्ली के मोहन गार्डन निवासी 40 वर्षीय दिलीप कुमार नाम के गिरफ्तार फर्जी आर्मी कैप्टन से पूछताछ के लिए सेना के खुफिया अधिकारी IB और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमें ग्रेटर कैलाश थाने में पहुंच गई हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से आर्मी का एक फर्जी ID कार्ड और एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े लोग दिलीप कुमार को आर्मी का असली अधिकारी समझते हुए हनी ट्रैप के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने आरोपी दिलीप कुमार को शुक्रवार को ग्रेटर कैलाश वन में अर्चना रेड लाइट के पास से सैन्य अधिकारी के रूप में घूमते वक्त गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि आरोपी 100 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य है और 100 से अधिक महिलाओं के संपर्क में है। वह कई अन्य देशों के व्हाट्सएप नंबरों के भी संपर्क में है। मोबाइल की जांच करने पर पता चला कि आरोपी ने कई अंतर्राष्ट्रीय नंबरों पर वीडियो कॉल भी की है। पूछताछ करने पर आरोपी ने खुलासा किया कि वह सोशल मीडिया पर महिलाओं को इम्प्रेस करने के लिए खुद को भारतीय सेना का कैप्टन शेखर बताता था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और इस पूछताछ के बाद कई और खुलासे भी किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Time24 न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।